हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ग्रीन चिकन रेसिपी। तो चलिए फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं ले रही हूँ हरा धनिया, एक लहसुन पूरा, 2 इंच का कटा हुआ अदरक, 6 हरी मिर्च और जीरा 1 छोटा चम्मच। और 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका हम पहले पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एक भगोला, आप इसकी जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसको हम गरम होने देंगे। इसमें डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम डालते हैं अपना प्याज। प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें अपना पिसा हुआ मसाला। अब हम इसी के साथ अपना बाकी के मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट ढककर अच्छे से भून लेना है। मसाला हमारा भुनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं ले रही हूँ सॉल्ट, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और ढककर लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। चले फिर हम इसे पका लेते हैं। छः मिनट हो चुके हैं, चिकन भी मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद है। आपको अगर पानी नहीं डालना तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी डाली हूँ, तो इसे मुझे 2 मिनट के लिए और पकाना है। तो चलिए फिर इसे ढककर मैं पका लेती हूँ। दो मिनट हो चुके हैं, चिकन भी मेरा अच्छे से पक चुका है। तो चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए जो चिकन पीसेस का यूज़ की हूँ वो ना तो बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े हैं, तो मीडियम साइज़ के पीसेस थे, इसके लिए जल्दी पक गए। अगर आप बड़े साइज़ के पीस लेंगे इसमें तो आपको इसे 10 से 12 मिनट पकाना होगा, और छोटे लेंगे तो और जल्दी ये पक जाएंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, चिकन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।